पढ़ाई शुरू करने से पहले आप डॉक्यूमेंट सही करो है ना अगर आप वो पढ़ाई करेंगे बर्दी पाने के लिए लेकिन आपका डॉक्यूमेंट की वजह से अगर आप आउट हो जाएंगे तो क्या फ़ायदा पढ़ाई करके है ना मैं इस वीडियो पर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो है कि कैंडिडेट है सिर्फ डॉक्यूमेंट की वजह से काल ही दोस्तों आपके जो फाइनल मेरी लिस्ट आया इंडियन कोस्ट गार्ड की वहाँ पर दोस्तों मौका ही नहीं मिला उनको सिलेक्शन नहीं हुआ है ना तो डेफिनेटली वीडियो का अंतर बन रही है अगर आप भी इस तरह से गलती करो तो सुधर जाओ है ना डॉक्यूमेंट को पहले सही करो एक बात बताना चाहता हूँ अगर आप लख डिफेंस कैरियर यूट्यूब चैनल के जो टेलीग्राम है अगर आप उससे अभी तक ज्वाइन नहीं किए उससे जरूर ज्वाइन कीजिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और वहाँ पर मैं सबसे सब पहले अपडेट देता हूँ है ना उसके साथ वो बेस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता हूँ एयरफोर्स नबी के लिए है ना पी वगैरह तो डेफिनेटली जा करके ज्वाइन कीजिए तो वही दोस्तों काल ही आपका इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जी डी डी बी एड फाइनल मेरिट लिस्ट ऐड हुआ है जिनका भी सिलेक्शन हुआ उनको काफी सारे कॉन्ग्रेचुलेशन और जिनका भी नहीं हुआ है वो नेक्स्ट वैकेंसी के लिए आप ट्राई कर सकते हो आपका एग्जाम सेप्टेम्बर में होने वाला है आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट लगभग आफ्टरनून में आया था तो एक कैंडिडेट महाराष्ट्र से है उनके साथ जो मेरी बातचीत हुई तो उनका दोस्तों आपके जो ओबीसी सर्टिफिकेट है ना उनका दोस्तों महाराष्ट्र स्टेट के जो ओबीसी सर्टिफिकेट है उस तरह से बनाए थे कोस्ट गार्ड जैसे बोल रहा है वो ऐसे नहीं बनाए थे है ना वो स्टेट के अपलोड कर दिए थे सेंट्रल के नहीं इस कारण की वजह से दोस्तों उनका नहीं सिलेक्शन हुआ है है ना आप ऐसा क्यों गलत कर रहे हो आप डॉक्यूमेंट का पहले तो सही अपलोड करो आप पढ़ाई कर रहे हो अगर आपका सिलेक्शन होगा आप मेहनत करके रिटर्न एग्जाम क्लियर करेगा लेकिन आप डॉक्यूमेंट की वजह से आपका अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो कितना बुरा लगेगा ये मैं सोच सकता हूँ। है ना तो वही दोस्तों उस ब्रदर का जो मार्क है काफ़ी अच्छी थी है ना उनका जो स्कोर है दोस्तों लगभग एट्टी वन करीब था और दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जे का आपकी जो फाइनल कट ऑफ का है सेवेंटी नाइन अगर उनका डॉक्यूमेंट सही होता तो उनका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाता है ना इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जे में लेकिन इतना सिर्फ छोटी सी गलती की वजह से उनका जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो गया और वो इंडियन कोस्ट गार्ड के उनका जो सपना था कि ज्वाइन करेंगे वो दोस्तों पूरी तरह से अधूरा रह गया है ना काफ़ी बुरा लगा मुझे भी आप भी अगर इस तरह से गलत करो अगर आप भी आपकी जो रेसिडेंस ओ बी सर्टिफिकेट या फिर एस एस सर्टिफिकेट अगर स्टेट जैसा अपलोड करो वैसा नहीं करो है ना आपकी जो सेंट्रल फॉर्मेट में उससे अपलोड करो नहीं तो आपको बाद में दिक्कत होगा और इस तरह से हो सकता है आप भी आप भी सिलेक्शन ले सकते हो लेकिन आपको फाइनल मेरिट में मौका ही नहीं मिलेगा तो आप सुधर जाओ बिल्कुल पढ़ाई करने से पहले आपका जो डॉक्यूमेंट जितना भी है वो सारे सही तरीके से रेडी करो अपलोड करो अच्छी तरीके से फिर आपको पढ़ाई करो क्या फायदा इस तरह से आप पढ़ाई करके है ना आप छोटी सी गलती आपकी जो डॉक्यूमेंट की वजह से आपका पढ़ाई पूरी तरह से बेकार हो गया है ना उनका एट वन मार्क था लेकिन फिर भी क्यों हुआ पूरी तरह से अच्छा नहीं हुआ कैंडिडेट के साथ जी हाँ ये इंडियन नेवी नहीं है इंडियन कोस्ट गार्ड दोस्तों आपकी जो डॉक्यूमेंट सेक्शन में काफ़ी स्ट्रिक्ट आप इस बात पर थोड़ा सा फोकस करो और आपकी पढ़ाई के साथ साथ आपकी जो डॉक्यूमेंट को भी सही करो है ना तो इस वीडियो पर इतना ही आपको ये अपडेट देना मुझे काफ़ी ज़रूरी लगा क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे लगभग टेन कैंडिडेट दोस्तों आपकी डॉक्यूमेंट की वजह से आउट हुए तो डेफिनेटली आप भी सुधर जाओ आप भी सही डॉक्यूमेंट अपलोड करो सही डॉक्यूमेंट के साथ अच्छी तरीके से पढ़ाई करो आपका जो एग्जाम होने वाला है सितंबर लास्ट वीक या फिर सितंबर थर्ड वीक तक आपका होने के लिए पूरी चांस है मुझे लग रहा है तो आप वो पढ़ाई कीजिए अच्छी तरीके से मेरी चैनल से आपको बेस्ट ऑफ आप लक जय हिंद जय भारत